श्री सदगुरु परमात्मने नमः। जय सच्चिदानंद, जय गुरुदेव। मैं हूँ डॉक्टर रीमा और आज हम जय श्री दादूराम सेवा ट्रस्ट की ओर से प्रस्तुत करते हैं गुरु गीता भाग 5। प्रिय मुमुक्षु और भक्तों के जानकारी के लिए और एक बार हम बताना चाहते हैं कि इस दिसंबर में तारीख 4/12/2022 से लेके 8/12/2022 तक अति महारुद्र यज्ञ का आयोजन है सिद्धपीठ चनवाड़ा धाम प्रेमधारा आश्रम सदगुरु मस्तदुराम बापू द्वारा आयोजित है। जितने भी यूट्यूब पे हमारे दर्शक हैं, भक्तजन हैं, अगर वो अपना योगदान देना चाहते हो, कुछ भी अनाज रकम अगर आपको देने की इच्छा है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए पहले बात समझ ले कि अनुभव के बिना कोई बात सिद्ध नहीं होती है। गुरुचरणों की महिमा अनुभव की बात है और परमहंस योगानंद ने अपनी पुस्तक में योगी कथामृत में ये दर्शाया है कि किस प्रकार उनके गुरु भाई स्वामी प्रणवानंद जी ने गुरुचरणों पर ध्यान करके परब्रह्म को पा लिया। परम सिद्धि का राजमार्ग। गुरु गीता के महामंत्र साधना जीवन के महासूत्र है। इन्हें अपनाकर, इनकी साधना करके साधक का अभ्यास आध्यात्म राज्य में प्रवेश सुनिश्चित है। पर एक चीज का ध्यान रहे कि गुरु गीता के इन महामंत्रों की साधना करने का मतलब सिर्फ क्रियाओं अथवा कर्मकांडों को कर लेना नहीं है। इनकी साधना करने का अर्थ है उस भाव दशा में अपनी संपूर्णता और समग्रता से जीना, जिसका कि यह महामंत्र बोध कराते हैं। पिछले मंत्र में गुरु तत्व के बारे में बताया गया है कि परम गुरु भगवान सदाशिव के उन वचनों को किस तरह आत्मसात किया जाए, जिसमें उन्होंने कहा है कि गुरु तत्व ही साधक के जीवन का सार सर्वस्व है। इसके अभाव में यज्ञ, व्रत, तप, दान, जप, तीर्थ सब अपना अर्थ खो देते हैं। यही नहीं, अपनी प्रबुद्ध आत्मा और सदगुरु भिन्न नहीं है, ये दोनों एक ही है, इनमें तनिक भी संशय नहीं है। इस तत्व के सत्य को जानने से ही साधक के जीवन में सत्य ज्ञान का उदय होता है। गुरु तत्व की इस कथा को आगे बढ़ाते हुए देवादिदेव भगवान महादेव आदि माता पार्वती से कहते हैं, सर्व पाप विशुद्धात्मा श्री गुरु होपाद सेवनात् देवी ब्रह्म भवेद्यास्मात् त्वत्कृपार्थं वदामि ते। इसका अर्थ है सदगुरु के चरणों की सेवा से साधक सारे पापों से मुक्त होकर विशुद्ध आत्मा हो जाता है। मैं तुम्हें कृपा पूर्वक बता रहा हूँ, देहधारी जीव ब्रह्म भाव को उपलब्ध हो जाता है। गुरुचरणों की महिमा के बारे में कहे गए भगवान महादेव के ये वचन साधकों के जीवन का संपूर्ण सत्य है। समस्त सृष्टि का आध्यात्मिक इतिहास साक्षी है कि अनेकों बार इस महामंत्र में निहित सत्य को अपने साधना जीवन में खरा प्रमाणित किया है। महान साधकों ने दुर्लभतम ब्रह्म तत्व का बोध इस महामंत्र की साधना से पाया है। ऐसी सैकड़ों, हजारों और लाखों घटनाओं में हम यहाँ केवल एक घटना की चर्चा कर रहे हैं। इसकी चर्चा विश्वविख्यात महान योगी स्वामी योगानंद ने योगी कथामृत में भी कही है। सदगुरु के चरणों की महिमा का बोध कराने वाली यह अनुभूति कथा महान गुरु योगी राजाधिराज श्री श्यामाचरण लाहिड़ी और उनके विभूतिवान शिष्य स्वामी प्रणवानंद के बारे में है। आइए सुनिए स्वामी प्रणवानंद ने कैसे स्वयं अपने मुख से अपनी अनुभूति स्वामी योगानंद को सुनाई थी। उन्होंने बताया था कि गुरु की कृपा कितनी अमूल्य होती है। कहते हैं, मैं उन दिनों नित्य रात्रि को 8 घंटे ध्यान किया करता था। उस समय मेरा समूचा दिन अपने रेलवे कार्यालय में बीत जाता था। वहाँ मुझे अपने क्लर्क होने का दायित्व निभाना पड़ता था। उन दिनों मेरे यहाँ एक ड्यूटी बड़ी थकाऊ और उबाऊ थी, फिर भी मैं बड़े ही मनोयोग्य पूर्वक हर रात को ध्यान करता था। प्रत्येक रात्रि को 8 घंटे की अविराम साधना मेरी जीवनचर्या का अनिवार्य और अविभाज्य अंग बन गई। इसके अद्भुत परिणाम भी मेरे जीवन में आए। विराट आध्यात्मिक अनुभूति से मेरी समूची अंतश्चेतना उद्भासित हो उठी, परंतु अभी भी उस अखंड सच्चिदानंद और मेरे बीच एक झीणा पर्दा हमेशा बना रहता था। यहाँ तक कि अतिमानवीय निष्ठा के साथ साधना करने के बावजूद भी
मैं ब्रह्म तत्व से एकाकार नहीं हो सका। इस बारे में किए गए मेरे सारे प्रयास पुरुषार्थ निष्फल गए। तभी मुझे ध्यान आया कि साधक के लिए सद्गुरु चरणों की कृपा ही परम पूर्णता का परिचय पर्याय बनती है। यही सोचकर एक दिन सायंकाल को मैंने लाहिड़ी महाशय मेरे सद्गुरु के चरणों का आश्रय ग्रहण किया। उनके आशीष की आकांक्षा के साथ मेरी प्रार्थना चलती रही। गुरुदेव, मेरी ईश्वर में समा जाने की आकांक्षा इतनी तीव्र वेदना का रूप धारण कर चुकी है कि उस परम प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन किए बिना मैं अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सकता। लाहिड़ी महाशय हल्के से मुस्कुराए और बोले, भला इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तुम और गहराई से ध्यान करो। मैंने उनके चरण पकड़ के बड़े ही करुण भाव से पुकार की, हे मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप इस भौतिक लेवर में मेरे सम्मुख विद्यमान है, अब मेरी प्रार्थना को स्वीकारें और मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आपके अनंत रूप में दर्शन कर सकूँ। प्रसन्न भाव से शिष्य वत्सल्य परम सतगुरु लाहिड़ी महाशय ने अपना हाथ आशीर्वाद मुद्रा में उठाते हुए कहा, जाओ वत्स, अब तुम जाओ और ध्यान करो। मैंने तुम्हारी प्रार्थना परमपिता परमेश्वर परब्रह्म तक पहुंचा दी है। अपरिमित आनंद और उल्लास से भरकर मैं घर लौटा। नित्य की ही भांति उस रात्रि भी मैंने ध्यान किया, बस फर्क थोड़ा था। आज सद्गुरु के चरण मेरी ध्यानस्थ चेतना का केंद्र थे। वे चरण कब अनंत विराट परब्रह्म बन गए पता ही नहीं चला। बस उसी रात मैंने जीवन की चिर प्रतीक्षित परम सिद्धि प्राप्त कर ली। उस दिन से माया का कोई भी पर्दा उस परमानंद जगत सृष्टा की छवि को मेरे नेत्रों से ओझल नहीं कर सका है। यह कहते हुए स्वामी प्रणवानंद का मुखमंडल प्रसन्नता से दमक उठा। स्वामी योगानंद लिखते हैं कि गुरु महिमा की यह कथा सुनकर मेरे भय भी नष्ट हो गए। योगानंद द्वारा कही गई यह योग कथा गुरुचरणों की महिमा को प्रकट करती है। गुरुचरण ही अपने तात्विक रूप में परब्रह्म का स्वरूप है, लेकिन इसे जाना और समझा तभी जा सकता है जब साधक अपनी गुरु भक्ति की साधना के शिखर पर आरूढ़ हो गया है। एक संत कवि ने इस तथ्य को एक पंक्ति में कहने की कोशिश की है, श्री गुरुचरणों में नेह साधक और सिद्धि है ये है। अर्थात गुरुचरणों में अनुराग साधना भी है और सिद्धि भी। साधना के रूप में इसका प्रारंभ होता है तो इसके तात्विक स्वरूप के दर्शन में इसकी सिद्धि की चरम परिणति होती है। हमें से अनेक गुरुपद अनुरागी यह जानना चाहेगा कि इस साधना की शुरुआत कैसे करें, तो इसका सरल उत्तर है कि गुरुचरणों के भाव भरे ध्यान से। भाव भरे ध्यान का मतलब इस अटल विश्वास से है कि सद्गुरु का स्थूल रूप ही और कुछ नहीं पर ब्रह्म का ही घनीभूत प्रागट्य रूप है। वही भक्त वत्सल भगवान हमारे कल्याण के लिए शिष्य वत्सल गुरुदेव के रूप में प्रकट हुए हैं। तो साधकों की अनुभववाणी यह कहती है कि हमारे गुरुदेव और उनके श्री गुरुचरणों का ही ध्यान करना चाहिए। प्रिय मुमुक्षु आत्माएं, बिना किसी शर्त के, बिना किसी मांग के, बिना किसी अधिकार के स्वयं को उनके श्री चरणों में न्योछावर कर देना ही गुरुचरणों की सच्ची सेवा है। किसी भी भौतिकता या किसी भी सांसारिक चीज़ वस्तुएं न मांगते हुए हमें आत्मज्ञान के लिए उनके गुरुचरणों में सब कुछ न्योछावर करके सेवा करनी चाहिए। ये सिर्फ एक ही जन्म का सफ़र नहीं है, ये हमारे आने वाले सभी जन्मों का साथ है। सदगुरु हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, हम तो उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन वो हर जन्म में हमें ढूंढ के अपनी शरण में लाते हैं। और सुनिए, इससे हमारे जन्म जन्मांतर के सारे पाप धुल जाते हैं और आत्मा का विशुद्ध स्वरूप निखरने लगता है। साथ ही अंतश्चेतना में अयम आत्मा ब्रह्म की अनुभूति प्रकट और प्रत्यक्ष हो जाती है। इसको अपरोक्ष अनुभूति कहते हैं। ये इसी तरह होता है जैसे कि कोई आपको गुड़ का स्वाद
बता दे, पर जब तक आपको खुद स्वयं गुड़ चखने में ना आए तब तक उसका स्वाद नहीं पता लगता है। इसे अपरोक्ष अनुभूति कहते हैं। इस कथन में तर्कपूर्वक कल्पना का जाल नहीं है, लेकिन असंख्य साधकों की साधनात्मक अनुभूति का निचोड़ है। तो भक्तों मित्रों, सद्गुरु के चरणों का प्रभाव एवं प्रताप ही ऐसा है कि उनकी महिमा का शब्दों में तो वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन स्वयं अनुभव से ही पता लगता है। आगे सुनिए गुरु चरणों की रज अगले वीडियो में। जय सच्चिदानंद, जय गुरुदेव।